तो गाइज आज मैं आया हूँ पहाड़ों में खजाना ढूंढने के लिए, वो भी मेरे इस गैजेट की मदद से। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपको क्या सच्ची में लगता है कि आपको इससे खजाना मिलेगा? ट्राई तो करने दे, फिर ही पता चलेगा ना। अबे यार इसमें तो कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है, डिवाइस खराब हो गया है क्या? एक मिनट, कुछ तो आवाज आई। आवाज तो मेरे पीछे से आ रही है। ओ भाई साहब, गाइज जंगली कुत्ते, पर सिग्नल इनकी तरफ से क्यों आया? अरे ये सिग्नल खजाने का नहीं था, ये तो हमारी बैंड बजाने वाला सिग्नल है। तू सही बोल रहा है शिनचैन, जल्दी से भागो। अबे यार ये तो अपना ही पीछा कर रहे है। हाँ तो और किसका पीछा करेंगे, यहाँ पर हम ही तो है। ये तो मेरे नजदीक पहुँच रहा है। फ्रैंकलिन भैया इस साइड आ जाओ, हमें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। शिनचैन मैं आ रहा हूँ, तुम लोग और तेज भागो। गाइज यार अब मेरी फट रही है। अब नहीं नहीं छू छू छू। गाइज एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ जाता हूँ। भाई 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 भाई, अबे 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 फिसल गया। गाइज मुझे लगा था मैं यहाँ पर आके बच जाऊंगा, पर इन्होंने तो हमें चारों बाजू से घेर लिया। हम तो गए फ्रैंकलिन भैया। एक मिनट, ये क्या गिरा? चीज तो इंसान जैसी लग रही है। अबे इंसान ही है। भागो यहाँ से, इनसे दूर रहो। ये लो तीसरा वाला कहाँ पर गया? भागता कहाँ पर है? रुक यहाँ पर आ, चलते फिरते लोगों को परेशान करते हो। तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे वाह, ये तो एक दीदी है। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों से मिलने आने वाली थी। मैं कार्नेज की वाइफ हूँ, उसे तुम्हारे मदद की जरूरत है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। एक मिनट, कार्नेज को और मेरे मदद की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो वो हमारा दुश्मन है। नहीं अब वो सुधर गया है। अरे क्या बात कर रही हूँ, कार्नेज कभी भी नहीं सुधर सकता। पर क्या पता शिनचैन, उसे सच्ची में हमारे मदद की जरूरत हो। अगर उसे हमारे मदद की जरूरत है तो वो आया क्यों नहीं? उसने तुम्हें घर पर बुलाया है, चलो मेरे साथ आ जाओ। अरे आपका तो पता नहीं फ्रैंकलिन भैया, पर अगर दीदी ने कहा है तो मैं तो नहीं रुक सकता, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, रुक मैं भी आ रहा हूँ। ओ भाई साहब, गाइस कितनी प्यारी गाड़ी है यार, क्या ये तुम्हारी है? हाँ ये मेरी ही है। तो फिर मैं इसे चला रहा हूँ, मुझे ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, पर संभल कर चलाना। शिनचैन चौप आ जाओ यार तुम दोनों भी। अच्छा ठीक है, रुको हम भी आ रहे हैं। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं, और तुम हमें रास्ता बताते रहना, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ पर है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने मैप पर घर की लोकेशन डाल दी है। अच्छा ठीक है। गाइस यार मैप के हिसाब से तो हमें यहाँ से टर्न लेना है। अबे कैसा रास्ता ये, इतना उबड़ खाबड़। ओ भाई साहब बच गए, थोड़ा सा रिस्की था। यहाँ कौन घर लेता है? हमने शहर से दूर ही घर लिया है, वरना पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है। हाँ खैर वो तो सही है। शिनचैन चौप हम लोग पहुँच गए, घर दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। मेरे पीछे पीछे आओ। जब इधर तक आए गए तो तुम्हारे पीछे ही आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। कार्नेज ये देखो, तुमने जैसा कहा था मैं फ्रैंकलिन को ले आई हूँ। बताओ कार्नेज क्या काम है? मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि वेनम पागल हो चुका है। वो पागल हो गया तो इसमें मैं क्या करूँ? हमें उसे रोकना होगा। मैं तो सुधर चुका हूँ, पर उसे कुछ तो हुआ है जिससे वो शहर पर कब्जा करना चाहता है। तो फिर तुम भी तो उसे रोक सकते हो ना, इसमें मेरी क्या जरूरत है? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं निकल सकता, वरना पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ये काम तुम्हें करना होगा। अरे पर मैं वेनम को कैसे हराऊंगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना सूट दूंगा। अरे पर कुछ नहीं, ये लो। गाइस ये कैसे कार्नेज का सूट है? ऐसा लग रहा है स्पाइडरमैन और कार्नेज को मिक्स कर दिया है। मुझे नहीं लगता इस सूट की मदद से मैं उसको हरा पाऊंगा। चिंता मत करो, तुम इस सूट को अपग्रेड कर सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग करके। अच्छा ठीक है। शिनचैन चौप तुम दोनों ज्यादा देर इसके पास मत रहना, घर चले जाना। गाइस अब फटाफट निकलते यहाँ से, क्योंकि हमें जाके सूट को अपग्रेड भी करना है, क्योंकि बिना अपग्रेड किए हमें कोई पावर मिलने वाली नहीं है। सोच फ्रैंकलिन कुछ तो होगा। एक मिनट ये आवाज कैसी है? अबे ये तो वेनम है गाइस, ये तो यही पर है। पर वो भाग किससे रहा है? ओ भाई साहब पुलिस उसका पीछा कर रही है गाइस। मुझे लग रहा है मुझे पुलिस की मदद करनी चाहिए। फिलहाल मुझ में इतनी पावर नहीं है, पर मैं ऐसे उसको नहीं छोड़ सकता। अबे यार वो लोग तो कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए, मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। एक काम करता हूँ लिक्विड फॉर्म में चलता हूँ। भाई साहब गाइस अब फटाफट उसके पीछे निकलते इससे पहले कि कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाए और हम लोग उसे पकड़ ना पाए। अपनी स्पीड बढ़ाते रहता हूँ। कहाँ गया यार, यही पर तो था। वो रहा गाइस मेरे सामने ही है। वैसे तो मुझे पुलिस के बीच में आना नहीं चाहिए, पर मुझे पता है कि वो लोग उसको नहीं पकड़ पाएंगे। अबे यार फिर से गायब हो गया, कितना स्पीड भाग रहा है वो। यहाँ तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर भी नहीं है। एक मिनट कुछ तो आवाज आई, ऐसा लग रहा है धमाका हुआ। फटाफट से जाके देखते हैं यार। ओहो हो, ये क्या किया इसने? इसने तो पुलिस की गाड़ी ब्लास्ट कर दी। और गाइस वो वापस से भाग रहा है, इस बार उसे भागने नहीं दूंगा। फटाफट से उसका पीछा करता हूँ। रुक जा वेनम, तू बहुत गलत कर रहा है। अबे यार वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। रुक जा, अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन पकड़ता है।
गाइस यार वो तो भाग गया, इसी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर गया वो। अरे भाई साहब साइड हटो ना, मुझे अंदर जाना है, मुझे वेनम को पकड़ना है। ये शाने तेरे को दिखाई नहीं देता क्या, पीछे काम चालू है, इधर कोई नहीं जा सकता, चल अपने घर निकल। अरे पर मेरी बात सुनो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को पता है अपन कौन है, फालतू में मेरे से पंगा मत ले। गाइस यार ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी तो मैं ये ले, तुम लोग मुझे मारोगे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अरे अरे ये ले, कब से ना बोल रहा हूँ, कब से ना बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अंदर जाने दो, अब ये ले, और कोई है तो सामने आओ। गाइस है, इतने जल्दी ये सब पूरा नहीं होगा, ये लोग तो पूरी गैंग लेके बैठे है। दीदी तुम भी इधर आओ, रुको मैं ही आ जाता हूँ। बस करो यार अभी गोलियां चलाना बस करो, दिखाई नहीं देता मुझे कुछ नहीं हो रहा है। चलो गाइस कुछ होना हो इनको मार के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं मुझे, बस इनके चक्कर में यार वेनम ना भाग जाए, फटाफट इनको कैसे भी निपटाता हूँ। अरे अरे भैया ये लो, अब फ्लाइंग पंच, सीधा नॉकआउट, ये देखो। दीदी यार आप कब समझोगी। चलो गाइस नहीं नहीं एक और बचा है। चलो अब मुझे लग रहा है कि फाइनली ये सब पूरा हुआ। अबे यार मैं तो भूल ही गया, वेनम भाग जाएगा। गाइस यार जल्दी जल्दी जाते उसके पीछे, कहां गया होगा, मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस मुझे लग रहा है वो अपने हाथ से निकल गया है। चलो छोड़ो उसको तो मैं वापस से ढूंढ लूंगा, पर हमें इनको मार के पूरे $10,000 मिले, तो देखते हैं कि इसमें कौन सा सूट मिलता है। ये खोला मैंने मार्केट और ये बाय, क्या मेरे तो दोनों एक्सप्रेशन साथ में ही आ गए, क्योंकि ये कार्नेज भी लग रहा है और स्पाइडरमैन भी लग रहा है। छोड़ो यार एक मिनट, यहाँ पर एक पोस्टर है गाइस, क्या लिखा है, लॉस सेंटोस में एक रैम चैलेंज होने वाला है और जीतने वाले को $1,00,000 का इनाम है। ओहो, ये अपने काम का है। पर गाइस मुझे वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, वो लोकेशन काफी ज्यादा दूर है। एक काम करता हूँ, इन गुंडों की गाड़ी लेके जाता हूँ, वैसे भी तो इन सबको बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो गाड़ी क्या ही काम आएगी इनके। चलो ये वाली गाड़ी अपने पहाड़ चढ़ने के काम आएगी, क्योंकि वो लोकेशन पहाड़ पर ही है और वो भी लॉस सेंटोस के सबसे ऊंचे पहाड़ पर, माउंट चिलियाट पर। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, इस गाड़ी को इस पे चढ़ाने में बहुत मुश्किल हुई वैसे। यहाँ से मुझे रैंप दिखाई दे रही है, मुझे लगता है यही है, गाड़ी को यहीं पर रुकाते हैं और यहाँ से भाग के जाते हैं। वहाँ थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, जल्दी जल्दी इसके अंदर से जाता हूँ। हो भाई साहब यही से शुरू होने वाली लगता है गाइस। तो दादा यार जल्दी से बता दो क्या करना है। इसमें तो कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि ये रैंप बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुम्हें बस इसे कंप्लीट करना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मिलेंगे $1,00,000। अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, यार जल्दी से जाके बाइक पर बैठते हैं। रूल्स तो नहीं है, पर इसने कहा बहुत ज्यादा खतरनाक है ये रैंप। वो तो मुझे यही से दिख गया है, क्योंकि रास्ते की शुरुआत ही ऐसी हुई है, आगे पतला रास्ता, उसके ऊपर से दो दो ब्लेड्स। कोई बात नहीं, हम लोग आराम आराम से कर लेंगे, हमें बस डरना नहीं है। यार एक रूल तो पूछना ही भूल गया, इसमें गिरना अलाउड है या नहीं है, या फिर हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। गाइस यार ट्राई करके गिरे नहीं। चलो चलो यहाँ से निकल गए। ओ भाई साहब स्पीड में जाओ या स्लो जाओ, नहीं 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 नहीं, आप लोग ब्लेड्स देख रहे हो, इतना डर लग रहा है, अगर एक भी लग गई ना तो क्या धाड़ करके जाएंगे ना हम लोग। चलो जैसे तैसे करके निकले, अब नीचे जाते यहाँ से सीधा। ओ अब बारी है फिर से एक जंप लगाने की भाई साहब। गाइस यार चलो अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट सामने कौन खड़ा है। अबे यार यहाँ पर तो बहुत सारे क्लोन्स हैं, इन्हें टक्कर मार मार के जाना पड़ेगा या फिर साइड से निकल जाता हूँ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अबे हटो हटो यार, अभी तक इतना स्मूथ जा रहा था, पूरा रास्ता बिगाड़ दिया। नहीं 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 अभी गाइस सच्ची में नीचे गिर जाता मैं, क्या बचाओ ना मैं आपको क्या बताऊं। ये बहुत ज्यादा डरावना था। अबे यार आगे रास्ते का ध्यान ही नहीं दिया, अब तो सीधा नीचे कूदता मैं। यहाँ पर ब्लेड्स है गाइस, पर ये रास्ता चौड़ा है तो हम लोग साइड से होकर जा सकते हैं, रास्ता बदलते टाइम भी लग सकती है। अब इस क्रेन के बीच में से होकर जाना है। क्या लग रही है यार आसपास, मेरे तो शोल्डर टूट गए। अब साइड से होकर निकल जाते हैं यहाँ से, मैं तो डर गया कि आगे का रास्ता कहाँ है, पर फिर मुझे दिख गया, अब ये लकड़ी का ब्रिज है भाई। यार गाइस यार क्या वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ी गुदगुदी सी हो गई थी। चलो अब ये बड़ी बड़ी रिंग्स से छोटी छोटी रिंग्स पर कूदना है, ये कारवा ऐसे चलता रहेगा गाइस। ये बीच में क्या रख दिया था, इतने बड़े बड़े कॉइंस, सीधा 3-4 रिंग के नीचे गाइस। अबे नहीं 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 नहीं, अरे यार शिट ये क्या हुआ, जल्दी से बाइक को उठा, नहीं नहीं नीचे गिर जाएगी, क्या एक्सेलेरेटर घुमाया मैंने। गाइस अब यहाँ से मुझे लगा था ये फाइनल होगा, यार आप लोग देख रहे हो यहाँ से सीधा नीचे उतरना है सीढ़ियों से। अरे यार फिर से सीढ़िया, एक तो यहाँ पर आगे जाके बैलेंस चुक जाता है मेरा भाई 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 भाई, अबे ये सीढ़िया कब खत्म होगी यार। चलो गाइस मुझे लगता है ये आखिरी वाली सीढ़ी थी, अब आप लोग देख रहे हो यहाँ से टप्पा खा खा के नीचे जाना है मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा आराम आराम से करना पड़ेगा, अगर थोड़े भी फास्ट हुए ना तो सीधा नीचे गिरेंगे हम लोग। आराम आराम से आराम आराम से। अबे यार या तो बाइक फिसल गई, क्या बात है यार, देखो यार इतना कुछ हो रहा है, अभी तो लाइक कर दो। ओ गाइस चुक गए, नीचे नहीं, फिर से बचा मैं, मेरा दिल मुंह में आ गया था यार। फटाफट गाइस ये आखिरी है, 100% आखिरी है, मुझे बस नीचे उस टनल के अंदर जाना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ से बाइक को थोड़ी स्पीड करना है, क्योंकि मुझे मारनी है जंप, और ये मैं पहुंचने वाला हूँ गाइस फाइनली। ओ हो 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 हो
ओ, ऐसा मैं पहली बार पहुंचा हूं। मुझे लगा था मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, थोड़ा सा बच जाएगा। मैं टकरा के सीधा ऊपर ही गिर गया, और उसी के साथ भले ही कितने मुश्किल से किया हो, परिणाम तो हमारा है ना, पूरे $1,00,000। तो गाइस देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट है। तो 1 2 3 बाय। अब जाके मैं कार्नेज बनाऊ मुझे ऐसा लग रहा है, पर इतने से भी काम नहीं चलेगा गाइज, तो हमें और सूट। एक मिनट यार, ये किसका फोन बज रहा है बीच में, जल्दी से उठाते हैं। टोनी, हेलो फ्रैंकलिन, तुम कहाँ पर हो? लंबी स्टोरी है यार, मैं कार्नेज बना हुआ हूँ। तुम कर क्या रहे हो? फिलहाल तो कुछ नहीं। तो फिर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अरे पर कहाँ पर? ह्यूमन लैब। अच्छा ठीक है, रुको आता हूँ। गाइज यार, टोनी बोल तो ऐसे रहा था जैसे कि अगर कुछ कर रहा होता तो नहीं बुलाता ये मुझे। देखो ये रही ह्यूमन लैब और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। उसने मुझे कहा था कि वो गेट के यहाँ पर मिलेगा, पर वो तो यहाँ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर हो? अंदर ही जाके देख लेते ना। टोनी कहाँ पर है? टोनी मैं आ गया। टोनी यार, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और इतना अंधेरा है। टोनी यार कहाँ पर है? ओ सॉरी सॉरी, ये रहा गाइस, थोड़ा ज्यादा जोर से चिल्ला दिया मैं। बोलो क्या हुआ यार, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमने लैब में एंटी वेनम को रखा था ताकि कोई एक्सपेरिमेंट कर पाए, पर मिलिट्री वाले आए और उसे वहाँ से ले गए। वो उसके साथ कुछ तो करने वाले है जिससे वो बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है, और एंटी वेनम भी उनके साथ भाग गया। एक मिनट, अगर मिलिट्री वाले उसे लेके भागे हैं, तो जनरल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो लोग जानते नहीं है वो किसके साथ क्या करने जा रहे हैं। ये चीज हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। ओके ऐसा है, कोई नहीं मैं मदद करने को तैयार हूँ, पर मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? मुझे पता ही था तुम मुँह फाड़ोगे। चिंता मत करो, ये काम हम तुमसे फ्री में नहीं करवा रहे, हम इसके बदले तुम्हें $5,00,000 देंगे। ओके फिर मैं चलता हूँ, वैसे भी ये सब तो मेरा काम ही है। गाइस यार क्या करूँ, मैं लालची होना तो नहीं चाहता पर मेरी मजबूरी है यार, आप लोग भी समझो। अबे शटर खुल जा सिम सिम। चलो गाइस अब यहाँ से सीधा मुझे मिलिट्री बेस जाना है। एक काम करता हूँ, यही वाली गाड़ी लेके जाता हूँ। फिलहाल तो ये लोग मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, इनका ही काम कर रहा हूँ मैं, और मिलिट्री बेस यहाँ से बहुत दूर है, तो चल के तो मैं जाने से रहा। अपने भी कुछ उसूल है, कायदे कानून है। चलो चलो हटो, कुछ नहीं देखने वाला मैं, सब कुछ तोड़ के जाऊंगा। तो गाइस यार फाइनली मैं मिलिट्री बेस पहुंच चुका हूँ। बस एक चीज की प्रॉब्लम है जो कि आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पर है बहुत ज्यादा भारी पहरेदारी। ऊपर चौपर उड़ रहे हैं जो चारों बाजू ध्यान रख रहे हैं। ऊपर हो या नीचे, इतना ही काफी नहीं है, टावर में से भी लोग देख रहे हैं, और अगर नीचे से जाएंगे तो नीचे बहुत सारे गार्ड्स हैं। अब इतनी कड़ी पहरेदारी के बीच में से हमें लेके आना है एंटी वेनम को, जो कि टोनी के हिसाब से बंकर में है। तो गाइस यार बिना किसी देरी के जाते हैं, क्योंकि जाना तो है ही है। ओ भाई साहब यहाँ पर तो गार्ड है, इसकी तो मैं ये ले। उठ मत भाई, प्लीज उठ मत, सबको पता चल जाएगा तेरी, तो ये ले। हाँ नहीं तो गाइस, एक तो ये मिलिट्री वाले जल्दी बेहोश नहीं होते, अब फटाफट आगे चलते हैं। सामने से तो एक टैंक आ रहा है, चुप। अब इसके जाने का इंतजार करना पड़ेगा, वरना यहीं पर उड़ा देगा हमें। चलो गाइस ये तो गया, फटाफट भाग के अंदर जाते हैं। एक मिनट, ये सायरन कैसे बज गया यार, मैं तो इतने चुपके से जा रहा था। अब नहीं, मैं सीसीटीवी कैमरा भूल ही जाता हूँ, अब इनको पता चल गया है तो लिक्विड फॉर्म में जाते जल्दी से। इन सबसे बच के और इन सबकी बैंड बजाते हुए जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको आटे में लेते हैं, और ये ले, लिक्विड फॉर्म में कितना काम आसान हो जाता है। और ये भी गया। गाइस यार इनको मारने के भी पैसे मिल रहे, क्या बात है। एक काम करता हूँ गाइस, टैंक के नीचे से जाके टैंक में घुस जाता हूँ, अब उड़ाते इनको। गाइस यार पैसा ही पैसा होगा, ये तो दुगनी कमाई हो गई यार, क्योंकि 5,00,000 तो टोनी दे ही रहा है। चलो चलो इनको भी उड़ाते हैं। ओहो मजा आ गया, और कोई है तो सामने आओ। एक साथ 4-5 गए, ये बिचारी गाड़ी तो टकरा के चल दी। चलो गाइस मुझे यहाँ पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो बंकर यही पर है और टैंक तो अंदर जा नहीं सकता, मुझे लिक्विड फॉर्म में अंदर जाना होगा। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से सीधा नीचे। आउच, ध्यान ही नहीं दिया यार। गाइस ये कैसी जगह है, ये तो कोई खुफिया बेस लग रहा है। वो रहा एंटी वेनम, चिंता मत कर मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आके, तुम मुझे नहीं रोक सकते। गाइस मुझे लग रहा है यहाँ से भागना पड़ेगा, वो तो गुस्सा हो गया। अबे यार मैं तो उसको लेने आया था। भाग 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 फ्रैंकलिन, वरना वो तेरी बुर्जी बना देगा। आउच, अबे यार ये तो अपने पीछे यहाँ तक आ गया। मेरी बात सुन एंटी वेनम, मैं आया तुझे रोकने था पर कुछ और सोच के, तेरी तो मानना बनकर। ओ भाई साहब ऐसे लगता है गाइस मानेगा नहीं, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरी तो ये ले, ये खा। देखो गाइस अगर बचाने भी आया हूँ तो भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसे अपने साथ तो लेके जाना ही है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो डरना क्यों, मुकाबला करते हैं। काटे पे काटे क्या चुभ रहे होंगे ना इसको। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे मुझे लगता नहीं, मैंने तो मार दिया। नहीं नहीं गाइस ये खाली बेहोश हुआ है। चलो मुझे लग रहा है अपना काम हो गया है, इसे यहाँ से उठाना पड़ेगा। फटाफट उठा के भागते गाइस यहाँ से, मुझे इसको टोनी के पास लेके जाना है। बस उसके पहले बीच में जाग ना जाए यार, वरना वाट लग जाएगी। टोनी देखो मैं इसे ले आया हूँ, ये रही तुम्हारी अमानत, तुम इसे अपने पास रखो और मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ मुझे
पता है। ये लो तुम्हारे $5,00,000 और जाके मजे करो। अरे क्या मजे करो यार, सर पे एक जिम्मेदारी है और वो तो तुम पर है। तुम इसके साथ क्या करते हो? मुझे पता है इन पैसों के साथ क्या करना है। तो गाइज यार, मिलिट्री बेस पे हमें ₹5,00,000 मिल गए थे सबको मार के, और यहाँ पर टूनी ने ₹5,00,000 दिए, तो अब हमारे पास 1,000,000 है। तो जल्दी से मार्केट खोलते और देखते कि 1,000,000 में कौन सा सूट है। ये खोला मार्केट और ये रहा सूट। बाय। ये वाला कार्नेज थोड़ा सा अलग है। चलो अब चलते गाइज यहाँ से, क्योंकि हमें और भी पैसे कमाने यार। एक मिनट, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये पुलिस कहाँ से आ गई? कार्नेज ने सही कहा था यार, उसे जहाँ पर पुलिस देखती है उसे पकड़ने आ जाती है। पर अब इनको बता तो नहीं सकता कि मैं असली कार्नेज नहीं हूँ, इनको सबक ही सिखाना पड़ेगा। ओ भाई साहब क्या पावर्स है यार, एक तुझे कांटे निकलते ना जमीन से मुझे मजा आ जाता है। हम लोग स्पाइक भी छोड़ सकते हैं। एक दो बार स्पाइक वापस से करता हूँ। हल्क तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अबे जाओ यार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। हल्क के दोस्त का दुश्मन दुश्मन, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे यार ये तो पागल हो गया है। हल्क रुक जाए यार, यहाँ पर आ, ये सब बंद कर दे। अभी क्या अभी बंद कर, तुरंत आ यहाँ पर। अच्छा ठीक है आता हूँ। ये तुम क्या कर रहे थे? मुझे टोनी ने भेजा था तुम्हारी मदद करने के लिए, इसलिए हल्क यहाँ पर आया है। हल्क को कोई शौक नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? पर मुझे मदद की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं खुद का देख सकता हूँ, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ फिलहाल। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हल्क की मदद नहीं चाहिए तो हल्क यहाँ से चला जाएगा। ठीक है चलो बाय, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। अबे यार उस भंगार गाड़ी की तरफ क्यों जा रहा है? नहीं यार वो तो आगे निकल गया। झाड़ियों के पीछे क्या है? इसने झाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ी छुपा के रखी थी। और कितनी मस्त गाड़ी है यार, अगर ये गाड़ी अपने को मिल जाए ना तो मजे ही आ जाएगा, इसको बेच के बहुत पैसा मिलेगा। पर यार वो तो निकल गया, मैं उसका पीछा करूंगा भी कैसे। वेल 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 गाइस, जरा यहाँ तो देखो, पुलिस वाले अपने लिए सरप्राइज छोड़ के गए। मैं पुलिस की गाड़ी लेके जा सकता हूँ, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गाइस जल्दी जल्दी भगाते हैं। एक मिनट, वो तो क्रॉस करके उस साइड चला गया। अबे यू टर्न लेनी थी तो यही से ले लेता। हाँ वैसे यहाँ से लेना गलत है, उसने सही किया है। देखो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, वरना आपको पता ही है वो हल्क है। वो जा कहाँ पर रहा है यार? ये तो स्टॉक मेंशन का रास्ता नहीं है, वो कहीं और ही जा रहा है। अब तो इसका पीछा करना ही पड़ेगा। ओहो संभल के यार, गाड़ी को मत ठोक, कहाँ जा सकता है यार। गाइस वो कुछ ज्यादा स्पीड भगा रहा है। एक मिनट, इस जगह तो मैं पहली बार आया हूँ। ये तो एक कार शोरूम है या कार सर्विस सेंटर है, पता नहीं क्या है ये। जो भी है गाइस, हल्क उसके अंदर गया है और मुझे अपनी गाड़ी यहीं पर रोकनी होगी, क्योंकि अंदर तो लेके जा नहीं सकता वरना सबको पता चल जाएगा, और पुलिस की गाड़ी देख के तो सब लोग पहले देखेंगे। फटाफट से अंदर जाते, देखो अभी कोई देख तो नहीं रहा है। चुपके चुपके घुसता हूँ अंदर। भाग 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 भाग, आराम से दबे पैर जाना होगा। ओ गाइस ये तो बहुत बड़ी जगह है। बस गड़बड़ यहाँ पर ये हो गई कि हल्क ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अवेंजर अपनी गाड़ी देने आए। अरे सर आपके इंश्योरेंस का काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मैं आज ही रिन्यू कर दूंगा। अगर तुमने आज की तारीख में रिन्यू नहीं किया तो मैं अपना हथौड़ा तुम पर रख दूंगा, तुम समझ गए हो ना मेरी बात। गाइस यार वो दोनों तो बिजी है, पर हल्क को तो देखो जरा, वो किसी पे तो गुस्सा कर रहा है। तुमने हल्क को पार्किंग क्यों नहीं दी? हल्क ने तुम्हें ₹50,000 दिए थे, हल्क की पार्किंग कहाँ पर है? अरे सर थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं अभी आपको पार्किंग दिलवाता हूँ। हल्क को गुस्सा आ रहा, हल्क की पार्किंग दो। चलो गाइस मुझे लग रहा हल्क भी बिजी है, आराम आराम से चल के जाएंगे, उसकी गाड़ी हमारे पास ही है। गाइस बस बस हम लोग पहुँच गए, अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है, जल्दी से अंदर बैठते हैं। अब गाइस टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, फटाफट निकलते हैं। ये तो हल्क के गाड़ी की आवाज है। फाइनली गाइस हम लोग बाहर निकल गए, अब यहाँ से फटाफट ये गाड़ी लेके जाना है मुझे साइमन के पास, ताकि मैं इसे बेच दूँ। ओ एक मिनट, ये आवाज किस चीज की है? अबे नहीं यार, हल्क तो यहाँ पर पहुँच गया। गाइस ये अपने गाड़ी की वाट लगा देगा, मुझे गाड़ी को कहीं पर रोकना होगा ताकि वो इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। जल्दी से यहाँ पर उतरता हूँ और पहले जाके उसे सबक सिखाना पड़ेगा। देखो हल्क मेरी बात सुनो। हल्क तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुम चोर हो, ये लो। गाइस यार मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा गुस्सा है। अबे हम लोग बात करके मामला सुलझा सकते हैं, मारपीट की क्या जरूरत है? हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुमने हल्क की गाड़ी चुराई कैसे? गाइस मुझे लग रहा है ये मानने वाला नहीं है, मुझे इससे सबक सिखाना ही होगा, कैसे भी करके इसको बेहोश करता हूँ। यहाँ पर आप तुझे घुमाता हूँ। गाइस यार इतनी स्पीड में घूम रहा है, ये दिखाई तक नहीं दे रहा है। और अब ये ले, क्या उछाल के फेंका है मैंने, अब तो ये गया। गाइस मुझे लग रहा है कि ये बेहोश हो चुका है, तो मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें वो गाड़ी लेके बेचने भी जाना है, इससे पहले कि ये वापस से उठे। जल्दी से जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास, यही कहीं पर पार्क की थी मैंने। कहाँ जा सकती है, ये रही गाइस। चलो याद तो था कि मैंने कहाँ पर पार्क की है, अब जल्दी से बैठ के जाते सीधा साइमन के पास। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है भाई हल्क से, वो तो गलती से बेहोश हो गया तो हो गया, वरना आपको पता ही है एक ही पंच में मुझे मारने की ताकत रखता है वो। पर मैं उसका दोस्त हूँ इसलिए वो थोड़ा ध्यान से मार रहा था, वरना तो भाई बैंड बजी गई होती। चलो जो हुआ सो हुआ, हम लोग साइमन के शॉप पर पहुंच गए। जल्दी से गाड़ी को अंदर लेके जाते हैं, गाड़ी को यहीं पर रोक देता हूँ। साइमन मेरी बात सुन, देख मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सीधी बात बताता हूँ, मैं
ये गाड़ी लेके आया हूँ जो कि हल्की गाड़ी है और मुझे इसे बेचना है, तो जल्दी बता इसका कितना देगा। मैं तुम्हें इसका $2 मिलियन दूंगा, उससे ज्यादा नहीं, अब बहस मत करना। अच्छा ठीक है चलो, इतना भी बहुत है। गाइस यार यही लेके निकलते हैं, 2 मिलियन में भी अच्छा खासा सूट आ ही जाएगा, तो जल्दी से यहाँ पर रुकते हैं और सूट को अपग्रेड करते हैं। ये खोला मैंने मार्केट और ये बाय। ओ भाई साहब कितने गजब का सूट है यार, एक मॉन्स्टर कार्नेज। और गाइस मुझे कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वेनम मेरे बहुत पास है, अब तो वो बचेगा नहीं मेरे हाथ से। कहीं वो यहीं पर तो नहीं आ रहा। गाइस वो इसी तरफ आ रहा है, इससे पहले मैं उसकी तरफ जाता हूँ, जितना लोगों से दूर रखूंगा उतना ही अच्छा है। देखो मुझे सेंसेस इस साइड से आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। और क्या बात है यार, एक चीज तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, मैं उड़ भी सकता हूँ। गाइस कार्नेज उड़ रहा है, कितनी अजीब सी बात है। चलो लोकेशन तो यहीं पर आके खत्म होती है, मतलब कि मुझे जो महसूस हो रहा है वो गाइस यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही थी। ओ पूरा सामने खड़ा है, मैं आ गया हूँ वेनम, अब तू बचेगा नहीं, और अब तो मेरी पावर भी बहुत ज्यादा है। चुपचाप अपनी हार मान ले, यही तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तो फिर भागे क्यों थे? मैं भागा नहीं था, मुझे कुछ काम था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर आओ, अब तो तुम गए, ये लो। आउच 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 गाइस, यार क्या फेंका इसने। रुक जा, तू बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। गाइस गाइस ये हवा में कैसे उठा रहा मुझे, इसकी पावर तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये तो इविल हो गया है। देखो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें मार देगा, इसकी तो मैं ये ले। और ये का इतनी जोर जोर से मार रहा है, चारों बाजू मिट्टी उड़ रही है यार तेरी तो। मुझे लगता है कब से मार रहा है तो। हाँ मैं कब से मार रहा हूँ और अभी भी मारूंगा। ऐसे कैसे, इधर आ हाथ में तेरी तो। क्या उठा के फेंका है गाइस, ये ले। और ये खा, तू बचने वाला नहीं मेरे हाथ से। गाइस यार इसको मारा, मैं भी साथ में गिर रहा हूँ, अब तो ये गया, ये ले। गाइस मुझे लग रहा है मैंने इसे खत्म कर ही दिया है, वो रहा वहां पर गिरा हुआ। चलो गाइस अब ये सिम्बियोट जल्दी से उतारते अपने ऊपर से, फाइनली चलो।